पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, कडाण कम्माण न मुख अट्ठी। एक राजा था, राजा और राज्य संबंधी काम तो करता ही था, क्योंकि राजा के अपने कर्तव्य होते हैं। जैसे तीन कर्तव्य राजा के मुख्य हैं, सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। सज्जनों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, और जो असज्जन लोग हैं, नगर आदि में समस्या पैदा करने वाले हैं, बुरा न लगे तो मान लो जो असामाजिक तत्व हैं या दुर्जन लोग हैं, उन पर अंकुश लगाना, अनुशासन करना, सख्ती से पेश आना, ताकि वे गलत कामों से दूसरों को तकलीफ न दे सकें। तो असत लोगों पर अनुशासन करना भी राजा का कर्तव्य होता है। तीसरा राजा का कर्तव्य है आश्रित भरणम। जो आश्रित हैं, प्रजा है, प्रजा का भरण पोषण करना, कोई भूखा न सोए अभाव के कारण, कोई अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, इस प्रकार प्रजा का भरण पोषण का ध्यान रखना भी राजा का कर्तव्य होता है। राजा बनना यों उसमें पुण्य का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, तो राजा बनने के लिए उसकी अर्हता भी अच्छी भूमिका निभा सकती है। तो वह राजा अपना राज्य संबंधी काम करता ही था, साथ में वह थोड़ा संस्कृत भाषा का प्रेमी था, थोड़ा धर्मशास्त्रों का भी प्रेमी था। तो राज्य में जो संस्कृत की रुचि वाले युवक और होते, उनको वह थोड़ा प्रोत्साहन देता, कभी उनसे सुनता, श्लोक सुनता, उनका अर्थ बताने के लिए कहता, और बहुत अच्छे ज्ञानी पंडित होते, उनको कई बार बुला लेता कि आप बताओ धर्म की, शास्त्रों की बातें मुझे सुनाओ, आधा घंटा घंटा उनसे बातें सुनता। यूँ थोड़ा धर्म प्रिय और संस्कृत भाषा प्रिय राजा था। एक पंडित को राजा ने एक राजगुरु के रूप में मान सम्मान दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, ये तो राजगुरु हैं। तो वे राजगुरु के सम्मान से सम्मानित हुए। राजा ने कहा, आपको जब टाइम मिले तो आप सवेरे सवेरे आ जाया करो, मेरे अनुकूलता होगी टाइम की तो मैं कुछ आपसे सुन लूँगा, वरना ऐसे ही आपसे मिलना हो जाएगा, आप नाश्ता लेकर के वापस चले जाना। जैसे मेरे समय की अनुकूलता होगी मैं आपको सुनने में समय दे सकूँगा। कहा ठीक है महाराज, आप तो बुलाओ, ये भी मेरे पर कृपा है, समय आप दो तो ठीक है, वरना आपके दर्शन मुझे मिल जाएंगे सुबह सुबह, मैं विशेष कारण के सिवाय रोज प्राय आने का स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता के अनुसार प्रयास करूँगा। अब वो पंडित जी राजगुरु प्राय रोज आते, राजा भी थोड़ा टाइम मिलता तो सुन लेता संस्कृत के श्लोक, धर्म ग्रंथों की बातें।
अब नए नए और भी कई विद्यार्थी संस्कृत में पांडित्य धारण करने में लगे हुए थे। एक युवक था जो यूँ संस्कृत का अध्ययन किया था, कुछ शास्त्रों का वेत्ता भी था या सरल भाव का सा लड़का था, तो उसने देखा कि राजा जी को संस्कृत बहुत प्रिय है, इन बड़े पंडित जी को कई बार समय देते हैं तो मैं भी जाऊं, मैं भी थोड़ा सुनाऊं राजा को। तो सरल परिणामों का वह युवक था, इतना नहीं सोचा राजा के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना, वो सरल था, कभी आ जाता कि महाराज महाराज मेरा भी एक श्लोक सुन लो, एक श्लोक मेरा भी, तो राजा का ठीक बोल बोल क्या बोल श्लोक बोल, तो वो एक दो श्लोक बोल देता, राजा थोड़ा मुस्कुरा देता, कभी उसके सिर पर हाथ, थोड़ा कम उम्र का ही था, कभी उसे नाश्ता करा देता। तो यूँ उस युवक ने सोचा, रे मेरे पर तो राजा की बहुत कृपा है, मुझे तो कई बार नाश्ता भी करा देते हैं, अपने आसपास बिठा के मेरे सिर पर हाथ से सहलाते हैं मुझे, मैं जब भी कहता हूँ मुझे प्रायः ना नहीं बोलते, चाहे आधा श्लोक सुनो चाहे एक सुनते भी हैं राजा, तो मेरे पर तो बहुत मेहरबान है महाराज। तो उसका और रुझान बढ़ गया राजा के पास आने का, जब कभी शाम को भी आ जाता, महाराज एक श्लोक और सुन लो, तो राजा भी यूँ कृपालु था कि सरल मना युवक है, सुन ले, मुझे भी रुचि है संस्कृत की, सुन लेता हूँ। अब वो युवक आता तो वो बोलता, महाराज धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। यूँ वे जाते जाते प्रय रोज बोलता, तो राजा की यूँ कृपा मेहर उस पर रहने लगी। तो वो बड़े पंडित जी जो थे राजगुरु, उन्होंने सोचा, रे क्या बात है, छोकरा आजकल यानी युवक बहुत आता है महाराज के पास, महाराज भी बहुत यूँ वात्सल्य से इसको सुनते हैं, कहीं सिर पर यूँ सहलाते हैं, नाश्ता वगैरह सुनाए कराते हैं, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि राजा ये सोचिए ये तो बूढ़े हो गए, इनको तो रिटायर कर दूँ, इस युवक को अब इस उनकी जगह बिठा दूँ, ऐसा कहीं कर देंगे तो मेरे तो लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इतना मान सम्मान का स्थान, मुझे अगर रिटायर कर देंगे तो जीवन जीना मुश्किल है, मेरा सम्मान चला जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए कि राजा का मन फट जाए इस लड़के से, राजा इसको देखना ही नहीं चाहे, ऐसी कोई क्रिया कोई बात कोई काम करूँ। तो एक दिन वो पंडित जी कोई बाजार से इधर आ रहे थे, वो युवक पंडित था वो भी कोई बाजार में गया, देखा बड़े पंडित जी हैं राजगुरु, तो पैरों में हाथ लगा के प्रणाम किया, बोला बाबा जी आपकी कृपा चाहिए, मेरे पर यूँ तो महाराज की बहुत कृपा है, थोड़ा आप भी मेरे बारे में थोड़ा महाराज के कान में कह दे, आप जाओ ना कभी कभी कह दिया करो, लड़का अच्छा है पढ़ा लिखा, तो राजा और मेरी इज्जत करेंगे। तो पंडित जी बोले, रे क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, थोड़ा तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं है, तो बाबा जी बोलो क्या गलती, अरे एक बात सुनो कि राजा है ना उनसे बात कैसे करनी चाहिए, तुम जाके एकदम निकट बोलते हो बढ़िया, नहीं राजा के एकदम निकट नहीं जाना, थोड़ा सा दूर है बोले ना तो मुंह के गमछा लगा के बोलना चाहिए, कहीं थूक उछल जाए राजा में पड़ जाए तो राजा अगर कुपित हो जाएगा ना तुम्हारा महल में प्रवेश भी बंद कर सकते हैं, ध्यान रखना जब भी जाओ यो गमछा लगा के फिर बात करनी चाहिए, थोड़ा सा दूर से बोलना कि बाबा जी बहुत अच्छी शिक्षा दे दी, अब मैं ध्यान रखूँगा, प्रणाम करके चला गया। अब वो युवक तो अपने और दूसरे काम में चला गया, और वो पंडित जी का समय हो गया था सुबह का, तो पंडित जी राजा के पास गए, हाँ आओ महाराज, पंडित जी बैठो बैठो, कुर्सी दी बिठा लिया, पंडित जी आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़े दूसरे काम हैं, कि मैं जैसे आपकी सुविधा हो, मैं और काम, मुझे भी और काम जाना है, तो पंडित जी आप पधारो भले मेरे दूसरे का।
तो मैं जा रहा हूँ, एक थोड़ी सा निवेदन है। हाँ बोलो पंडित जी, फरमाओ। कि महाराज थोड़ा एकांत में कर, वो सबको सेवकों को दूर कर दिया कि महाराज थोड़ी एक गोपनीय सी बात है, वो एक लड़का आपके पास कई बार सुना आता है, थोड़ा संस्कृत में श्लोक। हाँ पंडित जी, एक वो लड़का बड़ा रिज्जू है, कई बार श्लोक बोल दे। रिज्जू क्या, मैं जानता हूँ, तो हमारी तो इस परिकर का है ना, लड़का अच्छा नहीं है वो। क्यों पंडित जी, लगता तो भला आदमी है। भला क्या, पक्का शराबी है वो। शराबी आदमी आपके पास आकर छांटे, संस्कृत छांटे ये दिखाई, बहुत ही गलत बात, आपके लायक है ही नहीं वो। शराबी आदमी आपके पास इतना निकट बार बार आता है, और महाराज थोड़ा बेईमान है, बहुत धोखाधड़ी, इधर हेरा फेरी करने वाला। हमारे ब्राह्मण समाज में जो विप्र महासभा है, उसने तो 5 दिन पहले फैसला लिया कि विप्र समाज की कोई भी भोज में, कोई भी सम्मेलन में उसको प्रवेश नहीं दिया जाए, यह निर्णय कर लिया है। बेईमान है, शराबी है, ऐसा ही है। तो विप्र महासभा का निर्णय हो गया, कोई भी कार्यक्रम में इसको प्रवेश नहीं दिया जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैंने आपको संक्षेप में, बस बाकी तो बहुत बातें हैं, आपका टाइम ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहता, थोड़े में इतने से मैं आपके ध्यान में आ गई, वो लड़का काम का नहीं। तो ठीक है पंडित जी, मैं इस पर ध्यान दूंगा। अब वो पंडित जी तो चले गए, वो युवक अपने बाजार में घूम के सोचा आज दोपहर में चलूँ, महाराज विश्राम के बाद थोड़े बैठेंगे तो थोड़ा मैं सुना दूंगा। 2 बजे के आसपास आ गया, महाराज विश्राम करके बैठे थे, पानी पानी थोड़ा पीने वाले थे, इतने में वो आ गया। देखा राजा का थोड़ा सा यूँ दिमाग थोड़ा गर्म सा, थोड़ा सा हुआ कि वो आ गया जिसके बारे में मुझे कहा था, शराबी सा है। तो पंडित जी ने जाते जाते यह भी कह दिया था, बड़े पंडित, वो जब भी शराब पीकर आएगा ना, देख लेना गमछा लगा करके आएगा, आप जब गमछा लगा के आप जान लेना कि शराब पीकर आए। तो ठीक, अब वो आया लड़का भी, आज मुझे शिक्षा दी थी बड़े गुरु जी ने, पंडित जी ने, कि महाराज के पास जाओ तो गमछा लगा के बात करना। तो उसने कमरे में प्रवेश से पहले अपना गमछा ठीक करके लगा लिया, निकट गया, देखा रे आ गया शराबी आदमी, शराब पीकर आया दिखता है। राजा ने कहा रे क्यों आयो, महाराज ये श्लोक हो गए, श्लोक ठीक है, श्लोक सुन लिए तुम्हारे काफ़ी श्लोक, थोड़ी कृपा गरीब हूँ, क्या चाहिए, थोड़ी कृपा गरीब हूँ, थोड़ा कोई बख्शिश ला, इधर एक पाना हाथ में लिया और कुछ राजा ने लिखा, खाम में बंद किया, ले जा भंडार में चला जा। सोचा इतना तो वहाँ ना, आज भंडार में भेजा तो वहाँ मुझे आर्थिक दृष्टि से कुछ मिल जाएगा। और वो भंडार में गया और वो भंडारी साहब बैठे थे, साये राजा जी की ओर से है। भंडारी ने वो खाम खोली, थोड़ा वो था, इतना रुपया देना करना तो कुछ उसको दे दिया कि अब आप अंदर आइए। सोचा मुझे नाश्ता कराएंगे अंदर, कोई चाय दूध कुछ पिलाएगा। तो वो बड़ी खुशी से अंदर गया, हाँ बैठिए, कुर्सी पर बैठ गया। सोचा अब फिर प्लेट लाएंगे कुछ मिठाई, कुछ खाना नाश्ता, प्रतीक्षा में था कोई प्लेट पर कोई नाश्ता मिठाई कुछ नमकीन कुछ चाय दूध लाएंगे, बैठा के कब लाए। वो तो लाना दूर, एक कर्मचारी को लेकर भंडारी आया, कर्मचारी के हाथ में यूँ चाकू था। तो वो युवक के पास जो रुका था, तो इतने वो जब वहाँ गया, इतने में उसने बात बात में कहा भी हमारे बड़े पंडित जी भी, करते करते वो बाहर गया कि पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने कहा रे आज क्या बात है, कि आज तो मुझे रुका मिला है, रुका मुझे दो। कि क्यों, अरे मैंने तुमको शिक्षा दी थी ना कि मुंह ढक के बोलना, आज तुम गए थे मुंह ढका तब तुम्हें बख्शिश हुई है मुंह ढकने से, या तो मेरे कारण से तुमको मिला मुझे दो। बोला अभी इनको ना तो कैसे को, तो उन्होंने ले लिया। अब कह तू जा भंडार में, मैं जाऊंगा, जो कुछ मिलेगा ना कुछ प्रतिशत तुमको दे दूंगा, बाकी तो मुझे मिलेंगे, मेरे कारण से तुम्हें मिल रहा है।
बेचारा सोचा इनके सामने तो क्या बोलूँ, युवक तो घर चला गया। पंडित जी वहाँ भंडारी के पास आए थे, सा ये रुका है ना महाराज, कहाँ रुका है, तो रुका तो हाँ पर देख लिया है। तो वो मूल बात में वो पंडित बड़े पंडित जी को उसने वो रुपया वो दे दिया, यानी रास्ते में मिल गया था पहले वह युवक, तो रुका पंडित जी ने ले लिया, उनको भेज दिया। बड़े पंडित जी आए, नाश्ता थोड़ा सा नाश्ता तो क्या, थोड़ा कुछ खिला दिया, अब अंदर बिठाया, वो चाकू हाथ में लेके कर्मचारी आया, लो ऐसे हो जाओ आप, क्या करते हो, क्या करते हो, मैं तो नाक काटूंगा, क्या क्या समझो, मैं इतना बड़ा पंडित राजगुरु, मुझे पता नहीं, जो रुका आपने दिया है उसमें लिखा हुआ है कि रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो गालने काटी लीजो नाक, इसमें लिखा हुआ है। कह नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं, ये रुका उस छोकरे का है, उसका नाक काटो। भंडारी बोला पैसा तो लेंगे आप, नाक कटेगा उसका, दो बात नहीं, जिसको पैसा मिलेगा उसी का नाक कटेगा, तो पैसा आपने लिया तो नाक भी आपका ही कटेगा। थोड़े नाना से किए तो दो चार और बुला लिया कर्मचारियों को, सुन पकड़ लिया खांदा पांव, स्थिर रहो, अब नाक काट दिया उनका। थोड़ी फिर बेचारे का अब आपदा रही है, यहाँ से पास में घर था तो पंडित जी चले गए, जाके थोड़ी मरम पट्टी की सो गए। अगले दिन फिर वह जो लड़का युवक था वो फिर गया राजा के पास कि श्लोक सुना दूं एक दो। वो जल्दी सुबह गया, राजा ने देखा इसका नाक तो कटा हुआ नहीं है, मेरे तो लिखा हुआ था नाक काटना, कहा वो भंडार में गए कि नहीं, बाप जी मेरे भाग्य में कहाँ पड़ा है भंडार, क्यों वो बड़े गुरुजी मिले रास्ते में, उन्होंने रुका ले लिया रे, मुझे तो घर भेज दिया रे, उन्होंने रुका, मेरे आपकी तो कृपा हो गई, मेरा भाग्य नहीं, क्या करूँ, आपका क्या दोष है। अच्छा तुम बैठ जाओ कमरे में बैठ जाओ। अब वो घंटा दो घंटा हो गई, रोज का जो समय था बड़े पंडित जी का, आज बड़े पंडित जी आए नहीं। तो राजा ने अपने सचिव से कहा वो पंडित जी आए नहीं, बहुत लेट हो गई ना आज, तो निगत तो करो कोई स्वास्थ्य कैसे है, क्या बात हुई, सूचना करे। तो पंडित जी बोले साहब मेरे तो ठीक नहीं है, आज नहीं आ पाऊंगा। उस युवक को बिठाया था कमरे में, वापिस बुलाया, राजा ने सोचा वो तो आज आएंगे नहीं, इसको ज्यादा टाइम दे दूं आज मैं बातचीत में। वो आया, राजा ने थोड़ा सा डांटा उसको कि तुम मेरे पास इतने आते हो, तुम शराब पीते हो क्या। बाप जी शराब, मैं शराब को छूता तक नहीं, आंख से देखने से भी बचने का प्रयास करता हूं, तो तुम हेरा फेरी करते हो समाज में। तो बाप जी मैं हेरा फेरी शायद जानता भी नहीं हूं ज्यादा, मैं इन चीजों को दाव पेंच, मैं तो रास्ते आना रास्ते जाना, कि तुमको विप्र महासभा ने भोज आदि में जाने का से निषेध कर रखा। अरे बाप जी किसने का निवेदन किया आपको, मैं तो विप्र महासभा का आज भी सहमंत्री हूँ, हमारे मंत्री फिर दूसरा स्थान, मेरा सहमंत्री हूँ, बहुत कार्रवाई लिखना करना मैं करता हूँ। तो कहा मैंने मेरे पास आई है कि तुमको निकाल दिया, तुमको भोजादी में आने से निषेध कर दिया गया है, अरे तुम शराब तो गमछा क्यों लगाया, तुमने गमछा लगा कर क्यों आयो। तो बाप जी मुझे तो बड़े पंडित जी ने कहा महाराज के पास जाओ तो ध्यान रखा करो, गमछा लगा के बात करनी, इसलिए गमछा लगाता हूँ। अब राजा ने सोचा रे ये बेचारा भला आदमी पंडित जी में कहीं दाल में काला, सेवकों से कहा पंडित जी को बुलाओ, महाराज वो तो कहें स्वास्थ्य कुछ भी स्वास्थ्य हो रथ को भेजो, रथ में बिठा के लाओ बोलो। पंडित जी को लाया गया, राजा का आदेश है। आए पंडित जी वो नाक पर यूँ कपड़ा कपड़ा लगा करके यूँ आए कि पंडित जी क्या बात हुई, बात थोड़ा स्वास्थ्य क्या हुआ स्वास्थ्य में। तब तो वो युवक और कई थे, बोला कि महाराज इनका
इनके साथ बड़ा गलत व्यवहार हुआ है, आपके भंडार में इनके साथ बड़ा व्यवहार खराब हुआ, नाक काट लिया इनका। तब राजा ने सोचा, रे मेरे रुके में लिखा हुआ ही था। तो कहा, पंडित जी वो रुका तो मैंने इसको दिया था ना, आपने रुका कैसे लिया? कि महाराज अब दिमाग अक्ल खराब हो गई, फिर मैंने ले लिया। तो क्या पंडित जी आपने कहा ना वो क्या शराबी है? अरे कहा महाराज वो यही उसको बुलाता हूँ। कि मैं जाने दो, जाने क्यों दो, आपने कहा था आमने सामने बात करता हूँ। नहीं महाराज जाने दो, जाने दो। तो राजा ने समझ लिया सारा पंडित जी का माया जाल है, बेचारे युवक को फंसाने का प्रयास किया। राजा ने तत्काल कहा, पंडित जी आपको राजगुरु के पद से बर्खास्त करता हूँ। युवक से कहा, अब तुम मेरे पास आया करो, विधिवत संस्कृत में कुछ सुनाया करो। तब लड़का वो बोला, महाराज धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। कि धर्म की जय होती है, पाप में नुकसान होता है। भले का भला बुरे का बुरा, कर भला होत भला, भला करो तो भला होगा। कि पंडित जी ने बुरा किया, बेचारे युवक को फंसाने का, डाउन करने का सारा प्रयास किया। नाक आखिर कटा किसका? पंडित जी का ही कटा। जो दूसरे का बुरा करता है उसका अपना बुरा होना मानो बहुत संभव हो जाता है। तो आगम में कहा गया, कडान कम्मान न मुख अथि, किए हुए कर्मों को भोगे बिना या अक्षय किए बिना छुटकारा नहीं मिलता, जो भी कर्म का नियम है। तो हमें अपने जीवन में बुरे कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए और सदाचार धर्माचार धर्माचरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत जो जैनिज्म का तो है ही, जैनिज्म में तो हमारे पन्नवना को देखो, भगवतीर और कितने ग्रंथ हैं, कर्मवाद का हमें वर्णन मिलता है। यों तो कर्मवाद के बहुत नियम हैं, कितनी स्थिति कौन कहाँ पैदा होगा, बहुत नियम हमें मिलते हैं। सीधी सी बात है, कर भलार होत भला, कि भी जैसी करनी वैसी भरनी, दुख सुख स्वयं मिलेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा। एज यू सो सो शैल यू रिप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हम अच्छे कर्म करें, सदाचार के रास्ते पर चलें, धर्माचार के रास्ते पर चलें, यह काम्य है।